तो गाइस ये है डेल का लेटीट्यूड 7400 लैपटॉप जिसको मैंने कुछ ही दिन पहले ऑफलाइन खरीदा था सिर्फ 23,000 और ये आज मुझे वापस करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर वो चीजें नहीं चल रही जिस चीजों के लिए मैंने इस लैपटॉप को खरीदा था। तो आप लोग ये गलती कभी ना करना। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस लैपटॉप के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, मतलब क्या क्या चीजें इस लैपटॉप के अंदर आप कर सकते हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं इसको आपको थोड़ा ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे डेल लिखा हुआ है, बहुत स्लिम फिट लैपटॉप है, सब कुछ ओके है, बट कुछ चीजें इसकी ऐसी है जो कि हमें बाद में पता चली और जब तक पता चली तब तक काफी दिन हो चुके थे, ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके थे और अब ये हमारे किसी काम का नहीं रहा और हमें ये लैपटॉप वापस करना है और इसको देके और ऊपर कुछ और पैसे डाल के एक और लैपटॉप लेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं करता हूँ इसकी लीड को ओपन। तो देख सकते हो लैपटॉप कुछ इस तरह से दिखता है। ये देखो इसका कीपैड बहुत ही नॉर्मल कीपैड है, छोटे वाला, मतलब पूरी कीबोर्ड नहीं मिलता, बहुत ही छोटा है। और इसके अंदर चाहिए क्या आपको, मतलब है ही नहीं कुछ चीज, क्यों नहीं लेना कुछ यह लैपटॉप में बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात, ये लैपटॉप हमने क्यों खरीदा, क्योंकि हमें कुछ वीडियो एडिटिंग का काम था उसके लिए खरीदा। इसकी जो डिस्प्ले थी वो काफी अच्छी लग रही थी मेरे दोस्त को, तो उसने कहा नहीं भाई ये लैपटॉप मैं तो खरीदूंगा, तो उसने खरीद लिया। अब क्या हुआ, इसके अंदर कोई भी ऐप नहीं चल रही, जैसे कि प्रीमियर प्रो चलाओ तब भी लैग करता है, आप कोई और सॉफ्टवेयर चलाओ तब भी लैग करता है, गेमिंग भूल जाओ। इस लैपटॉप के अंदर गेमिंग का तो नाम और निशान ही नहीं है, गेमिंग चलती नहीं है। GTA 5 डाला था पूरी तरह से लैग करता है, बिल्कुल ही प्लेबल नहीं है। गेम तो मैंने इसके अंदर से काट दिया, नहीं तो आपको दिखा भी देता, और क्या कर सकते हैं इसके अंदर। गेम्स इस लैपटॉप के अंदर बिल्कुल ही प्लेबल नहीं है और इसके लिए इस लैपटॉप को मैं 0 नंबर दूंगा। ये i7 प्रोसेसर के साथ में आता है बट इसके अंदर कोई भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिलता, लेकिन इसकी जो डिस्प्ले है वो काफी प्यारी है, काफी प्यारी मतलब बहुत अच्छी डिस्प्ले है और कलर्स है वो काफी अच्छे से दिखते हैं, मतलब ज्यादा स्पेसिफिकेशन अच्छी नहीं है बट ओवरऑल जिस प्राइस के ऊपर हमें ये मिला उस प्राइस के ऊपर इस लैपटॉप में काफी सही चीजें हमें मिल रही थी। लेकिन हमारा पर्पस पूरा नहीं होता इस लैपटॉप से, तो अब हमें इसको बेचना पड़ेगा और अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आपको ये लैपटॉप खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो, जब भी आप कोई लैपटॉप खरीदते हो तो सबसे पहले अपना पर्पस डिसाइड करो कि आप इस लैपटॉप के ऊपर क्या क्या काम करने वाले। अगर आप अपना पर्पस डिसाइड नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे, जैसे मेरा दोस्त पछता रहा है। इसके पर कोई काम नहीं होता, कोई काम क्या नहीं होता, मेरी वीडियो एडिटिंग भूल जाओ, इस लैपटॉप पे वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते, बट हाँ यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, टाइम बर्बाद करने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। लैपटॉप बढ़िया है, यहाँ पे ऑन करने के लिए एक बटन दिया हुआ है, मैं दबाता हूँ लैपटॉप ऑन हो जाएगा और फिर देखते हैं कि इस लैपटॉप के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलती है। अरे मुझे लगता है ये लैपटॉप पागल हुई गवाह है। ये देखो यहाँ पे डेल लिखा हुआ आ गया, जैसे हमने बटन को प्रेस किया पावर वाले, मतलब ऑन हो रहा है। और यहाँ पे देखो कीपैड में लाइट्स भी जल रही है, काफी अच्छी चीजें इसके अंदर हमें मिलती है। वही बात की लाइटें जला के क्या करें जब इसके अंदर चीजें चलानी है वो ना चले, तो क्या फायदा है इस लैपटॉप का। बस इसके अंदर हम कैनवा डाल के कैनवा पे डिजाइनिंग कर सकते हैं, वो चीज सही चल रही है, गाने सुन सकते हैं, वीडियोज काफी अच्छे से देख सकते हैं, कॉन्टेंट काफी अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं और छोटी मोटी टास्क भी कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो एडिटिंग करना, गेमिंग करना, ये सारी चीजें इस लैपटॉप के बस की बात नहीं है और हमें तो यही काम इस लैपटॉप के ऊपर करने थे जो कि पूरे नहीं हो पा रहे, इसलिए अब इस लैपटॉप को बंद करते हैं। वो आपके सामने है, ये 3 घंटे से ऑन ही नहीं हो रहा, देख लो आपके सामने है। क्या फायदा इस लैपटॉप का जब ये ऑन ही नहीं हो रहा। देखो पुराने लैपटॉप खरीदते हो तो इस तरह की कुछ चीजें आ सकती है, फिर भी आपको अगर पुराना लैपटॉप खरीदना है, बट क्यों खरीदना है, आपके पास पैसे कम है इसलिए आपको पुराना लैपटॉप खरीदना है, तो खरीद लो कोई दिक्कत नहीं। अगर पुराना लैपटॉप खरीदना है तो ये सारी दिक्कतें आ सकती है, इसलिए आप जब भी किसी भी शॉप से लैपटॉप या भी कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हो तो उसे बोल दो कि ये अगर 2 या 3 दिन या 4 दिन में खराब हो जाता है या कोई दिक्कत आती है, मतलब कोई भी दिक्कत आए, कान वाले को पहले से ही कह दो कि अगर लैपटॉप में कोई दिक्कत आती है 10 दिन के अंदर तो मैं लैपटॉप वापिस दे जाऊंगा। और दूसरी बात, हमने तो बात की थी कि इसके अंदर वीडियो एडिटिंग हो जाएगी क्या, तो लैपटॉप देने वाले ने यही बोला था कि हाँ भाई इस लैपटॉप के अंदर आप प्रीमियर प्रो वगैरह सब चीज चला सकते हो, बढ़िया से चलेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने इसको चार्जिंग पे लगा के चलाया लेकिन ये नहीं चला, तो मैं इससे क्या एक्सपेक्ट करूंगा, ये मेरा साथ देगा, नहीं ये मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं देगा और अब हमें इस लैपटॉप को बेचना पड़ेगा। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो ये लैपटॉप हम 1,20,000 रुपए के अंदर दे रहे हैं, अभी के अभी जो कॉन्टेक्ट करता है उससे हम 20 रुपए लेंगे। गाइस अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।